शिक्षा संघ के वर्तमान अध्यक्ष होने के नाते आपकी भविष्य के प्रति और हमारे राष्ट्रीय शिक्षा संघ को मजबूत करने में क्या जिम्मेदारियां रहेंगी? मेरी तो पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि 6 साल तक जो संगठन का जो आत्मसम्मान था, जो स्वाभिमान था, उसे गिरवी रखा गया, मैं तो सबसे पहले उसे मुक्त कराऊंगा। और शिक्षकों जो हमारे जो संगठन है, जो एक गरिमामय उसकी स्थिति थी, पुनः उसी गरिमामय स्थिति को मैं कायम करूंगा। और दूसरा, जो राजकीय शिक्षक संगठन के जितने भी लंबित प्रकरण हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं यथाशीघ्र उन पर सरकार विभाग और शासन से वार्ता कर हल कराने का प्रयास करूँगा। और अगर ये निश्चित है कि मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं कोई दूसरा तरीका भी अपना सकता हूँ, पर मैं निश्चित रूप से मैं अपनाऊँगा, वो चाहे पूरा उत्तराखंड बंद करने वाली बात हो या हड़ताल करने वाली बात हो, मैं कभी भी उससे पीछे नहीं हटूंगा। शिक्षकों के, एक आम शिक्षक के बहुत सारे लंबित प्रकरण हैं, उनको लेकर आपकी किस तरह से आगे की रूपरेखा रहेगी? मेरी जो प्राथमिकताएं होंगी, जो मेन मुख्य रूप से जैसे पदोन्नति है या बहुत सारे साथियों का स्थानांतरण, अभी स्थानांतरण प्रक्रिया हुई थी लेकिन बहुत सारे साथी उसमें छूट गए और बहुत सारे साथियों को उसमें गलत हुआ, तो मेरा प्रयास रहेगा मैं उसे हल करूंगा। और जो काउंसलिंग हमारे यहाँ उसमें पदोन्नति में होती थी, स्थानांतरण में होती थी, उसे पुनः बहाल करूंगा। हमारा यात्रा अवकाश छीन लिया गया, मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं उस यात्रा अवकाश को क्या करूंगा, बहाल करूंगा। पुरानी पेंशन बहाल के लिए जो हमारे युवाओं की जो मुख्य मांग है, मैं प्रदेश स्तर पर खुद अपने संगठन के बैनर तले उस लड़ाई को लड़ूंगा, निश्चित रूप से उस मुकाम को हासिल करूंगा।